अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इफ्फत हुसैन व्लॉग्स। जी तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। जी तो आज जो है वो मेरे छोटे बेटे का अकीका है और आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। जी वैसे तो अकीका जो है वो सातवें दिन कर देना चाहिए, जब बच्चा पैदा हो तब सातवें दिन हो जाता है, लेकिन जब अगर आप किसी वजह से ना कर पाए तब जिंदगी में कभी भी कर सकते हैं। जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह के भाई हमें ये मौका मिला है कि हम कैफ का अकीका कर रहे हैं। और जी अकीके के लिए दो बकरों की जरूरत होती है, एक बकरा जो है वो तो हम ले आए हैं शाम को ही, कल शाम को ले आए थे। एक बकरा जो है वो मेरी बहन ने मेरे बेटे को गिफ्ट किया था, वो आ रहा है गाँव से, तो आज जो है वो अकीका हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और जी जो गोश्त वगैरह बनाना है वो मेरे भाई ने, भांजे भतीजे ने बनाना है और मैं उनके लिए खाना भी बनाऊंगी, तो खाना जो बनाऊंगी उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे देखें ये कैफ है और कैफ के अकीके का बकरा, ये देखें ये, इसको हमने, हेलो बकरे को हमने स्वेटर बनाया हुआ है ताकि ठंड से बचाएं इसको। हेलो हेलो क्या प्यार करो अपने बकरे को भाई, प्यार है, काफी प्यार है, प्यार है ना। तो अभी एक बकरा यहाँ पे है, एक बस आने वाला है थोड़ी देर तक, वो भी आ जाएगा, है ना काफी। यहाँ पे कासिम जो है वो पानी डाल रहा है बकरे को। बेटा बकरे ने पीना नहीं है पानी, नहीं पिएगा वो, सर्दी की वजह से ना पानी कम पीता है, गर्मियों में ज़्यादा पीते, प्यास नहीं ना लगी हुई उसको। पीछे कर लो थोड़ा सा, गिरा ना दे पानी। क्या जाओ प्यार करो अपने बकरे को, जाके जाओ पार करो पार करो। क्या क्या कर रहे हो, क्या फिर देखो क्या हो गया था, गुस्सा हो गया था हैं, गुस्सा कर रहा है कैसे करता है गुस्सा, कैसे करता है फिर से दिखाओ कैसे कैसे करता है, ऐसे करता है ये बकरे को प्यार कर रहे हो कि रस्सी को प्यार कर रहे हो। दूसरा किधर गया है, सैर करने गया हुआ है। तो यहाँ बड़े शौक आ रहा है ना बकरे के साथ खेलने का, बड़े शौक आ रहा है मेरे बेटे को। पीछे 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 कासिम उधर ही चल नुकर पे। चलो भाई ये कैफ का दूसरा बकरा है, कीके का है ना, इसको हमने छत पे बांधा हुआ है। कैफ प्यार कर लो अपने बकरे को, चलो आज जिबा हो जाने ना कैफी, एक दिन कैफ के पास रहे हैं भाई, है ना कैफी। ये ज्यादा मारता है, पहले नीचे वो नहीं मारता, ये मारता है, ये लगता नहीं है मारने वाला, लेकिन ये मारता है और वो लगता मारने वाला, वो मारता नहीं है, ये लगता नहीं है मारने वाला लेकिन ये इनको मारता है, और वो नीचे जो है वो नहीं मारता। अगर मैं ऐसे करूं तो आराम से खड़ा रहता। कैफ आप तो नहीं डर रहे ना इससे, इधर देखो मेरी तरफ, डर तो नहीं रहे, पक्की बात है, जाओ फिर प्यार करो। कासिम ऐसे करोगे तो ये मारेगा ना बेटा, ओए जदगी। अच्छा है, प्यारा लगा आपको, इधर देखो प्यारा लगा आपको, कितना प्यारा लगा, पहले इसको कुर्बान करना है, ठीक है। शानू है, कुर्बान नहीं करने, ये ज़िबा करने है बेटा, ये कुर्बानी नहीं है, ये कीके के लिए इसको ज़िबा करना है, ठीक है ना। कुर्बान ईद वाले दिन करते हैं ना, ये ज़िबा करने है बस। चलो बोलो मैं हैंड वॉश करो। हाँ जी करें, हाँ हैंड वॉश करो। चलो मम्मा मैं लोग फ्रेंड्स को आली से भी मिलाऊं क्या, इसको आली से भी मिलाओ। हाँ आली से भी मिलाओ, आली क्या नाम है भाई, ये क्या नाम है, इसका नाम शानू है, शैनू, नीचे वाले का नाम आली, इसका नाम शैनी, शानू, इधर है। चलो भाई अब आपको आली से मिलूं। चलो भाई चलो भाई आली से मिलने जाएंगे नीचे। ये मारने वाला आपको लग रहा होगा, लेकिन ये मारता नहीं है, इसकी सीन भी देखें, ये मारता नहीं है बस, ये नहीं मारता। वो देख रहा था कासिम। अच्छा भाई हमने ना ये बकरों के लिए चादर लगाई हुई है यहाँ पे ताकि इनको हवा ना लगे, लेकिन अब धूप आ गई है तो अब इसको यहाँ से उतार देंगे हम। ये देखे बाहर जो है आज धूप निकल आई, अभी
धूप निकल आई है, रात को हल्की हल्की बारिश भी हुई है, तो इनके लिए हमने सेफ्टी के लिए यहाँ पर ये चादर लगाई है। चलें जी, अल्लाह ताला बस अकीका जो है वो कैफ का कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। आप ही बोलो आमीन, तुम आमीन। ये ज़्यादा प्यारा है, इसका बाद में कुर्बान करना, वो नहीं प्यारा लगा, वो बाद में आया, ये थोड़ी देर पहले आया है, तो इसको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। ये एक दिन रुका इनके पास, वो अभी आया जो ऊपर छत पे रखा हुआ है, वो मार रहा है इसलिए नहीं अच्छा लग रहा। चलो कोई बात, ये जब आया था नहीं मार रहा था, वो मार रहा है। ये ज़रा माशाल्लाह से शरीफ है, चुप ही रहा है सारी रात, बोला भी नहीं, शुक्र है कि नहीं बोला। प्यार कर लो बेटा, दोनों जिबा होने लगे, उसको भी प्यार कर लो जल्दी से कैफी, उसको भी प्यार कर लो। चलो कैफ हाथ रख लो, चलो भी मामू दुआ पढ़ने लगे, हकीके की दुआ होने लगी। मोहम्मद कैफ इतने तमीर से وأزمها بأزمي وجلدها بجلدي وشرها بشري اللهم اجعلها فداء له من النار آمين آمين الله پاک قبول کرے جی کیف آ گیا جو کیف آ گیا پہلے وائٹ والا کر کیفی آ گیا ادھر آ جا چل چل बस पानी है बस जिबा होने लगी है। ठीक है कैफी आ जाओ इधर, 12 बजे अंदर कैफ आ जाओ बेटा, चलो अब अंदर चले जाओ, अब जिबा होने लगे हैं। ठीक है चलो चल मेरा बेटा, अंदर बैठेगा ठीक है, बाहर नहीं आना। ओके चलो छत के जाऊँ, पाला बेटा माशाल्लाह से। चलो चलिए जी चलिए, बैठ जाओ, लेट गए आप तो, है ना, सीधे हो जाओ, बाजू सीधे करो। चल भाई यहाँ पे मेरे, यहाँ पे मेरे भांजे और भतीजे और मेरा भाई जो है वो गोश्त बना रहा है। इतना बहुत है, थोड़ा ठीक है, ये तो अभी कर रहा है ना आधा, थोड़ी सी बोटी को बड़ा रख, रंग बिरंगी बोटियाँ बना रहे हैं, ये देखो रंग बिरंगी छोटी छोटी बोटियाँ। हाँ ठीक है, ये साइज ठीक है, ऐसे रख देख लीजिए साइज। तो यहाँ पे मेरा भाई और मेरे भांजे और भतीजे दोनों बैठे हुए हैं, गोश्त बना रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, माशाल्लाह से हर काम आता है। हैं भी जैन? हाँ, हर बहुत सारी वीडियो में मैं ही। हाँ मेरी बहुत सारी वीडियो में मेरे भाई है। माशाल्लाह, हम कसाई नहीं है। हम कसाई नहीं है, हमने कसाइयों से सीख लिया काम। हम कसाई नहीं है, हमने कसाइयों से सीख लिया काम। चलो अब मुझे पकाने के लिए देना थोड़ा सा, तो मैं फिर मैं खाना पकाऊं साथ साथ। चले भाई मैं साथ साथ जो है वो खाना पका लूं भाई के लिए और भांजे भतीजे के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऑयल जो है वो डाल दिया, साथ ही इसमें प्याज डालेंगे, 2 से 3 मैंने प्याज जो है वो डाल दिए बारीक कट करके, उनको मैं फ्राई कर लूँगी। चलो अभी प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब इसके अंदर तीन बड़ी इलायची डाल दी हैं और कुछ हमने ये दालचीनी के टुकड़े डाल देने, इसको फ्राई कर देते हैं इसके साथ। चल भाई ये गोश्त जो है मैं प्याज में डाल रही हूँ, चलो भाई अब इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना। चलो अभी 1 चम्मच भर के हम डालेंगे लहसुन का, 1 चम्मच भर के हमने डालना है अदरक का, हम इसको भी डेढ़ चम्मच नमक, 1.5 चम्मच हम इसके अंदर नमक जो है वो डाल देते हैं। अभी हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, टमाटर तकरीबन 1.5 पाव के करीब हमने इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं और इसके साथ एक चूल्हा तेज करते हैं जी। तो नमक मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, मज़ेदार होना चाहिए। चलो भाई मैं ज़्यादा मिर्ची डाल रही हूँ, स्पाइसी डालेंगे और आप थोड़े अपने हिसाब से नमक मिर्च रखें भाई, थोड़ा और पा दें पक्की कर ले, बाद में ना कहना मिर्ची मुझे ज़्यादा कर दी है, हैं स्पाइसी बना दी है अपने अच्छी तरीके से। ठीक है, हल्दी डालें, आधा चम्मच हल्दी डालें, अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे नमक मिर्च के साथ।
टेस्ट आ रहा है। अब इसमें थोड़ी सी हम दड़ा मिर्चें जो है वो भी डाल देते हैं। एक चम्मच भर के सूखा धनिया हमने इसके अंदर शामिल कर देना और जीरा था, एक चम्मच भर के सूखा धनिया हमने डाल देना। अच्छा जी, तो सभी मसाले डालने के बाद हमने गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना मसालों के साथ। चलिए अब इसमें पानी डालेंगे हम, तकरीबन एक से डेढ़ गिलास पानी डाल देना हमने, मैंने इकट्ठा डाला, तकरीबन डेढ़ गिलास पानी डाल दिया। चलें जी, ढक्कन लगा के इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे 45 मिनट के लिए। इसके ऊपर हम डालेंगे धनिया और हरी मिर्ची। चलिए भी हमारा सालन जो है वो तैयार है, अब हम खाना खाएंगे। जी तो खाना शाना हम सब ने खा लिया था और गोश्त जो है वो भी बना दिया था और तकरीबन हमने बांट दिया। थोड़े से बॉक्स पड़े हुए हैं, ये जो मेरे ससुराल की तरफ जाने थे और कुछ रिश्तेदारों की तरफ जाने थे तो वो बनाए हुए हैं। अभी मैंने अभी थोड़ी देर तक इनको भी हम बांट देंगे, जाके दे आएंगे। जी तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।